उसमें रहेगा भूकंप के अकॉर्डिंग रहता है, हम बता चुके हैं कि अगर ज्वालामुखी आने वाला होगा तो कैसी क्रिया होगी उसमें, तो जो प्लेट्स होती हैं उनमें क्या होगी आपकी अपसरण होगा, क्या होगा अपसरण, और अंदर से क्या निकलता है फिर ज्वालामुखी निकलता है, कौन निकलता है ज्वालामुखी, लावा, लावा बोलते हैं लो, अरे नहीं नहीं पता लावा कहाँ है, मेघमा क्या है, क्या है, हाँ गुड, चलिए समझ लेते बस, अरे बस महाराज, अरे बस कंट्रोल कंट्रोल, गुस्से में आ गए बहुत, बोले आज देख लेते हैं, चलो बना लो इसको ऐसे, पर समझा देते हैं ऐसे, यहाँ पर हमारा क्या रहता है पाइप रहता है, क्या रहेगा पाइप रहेगा, यहीं से तो मैग्मा निकलता है, क्या है खजूर का पेड़ है, हाँ मतलब इस तरह से बना होगा आपका ध्यान, इसको लिखो क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पाइप बोलते हैं, और क्या करोगे ज्वालामुखी पाइप, ठीक है यहाँ पर कौन रहेगा आपका छिद्र रहता है, इसे क्या बोलते हैं ज्वालामुखी छिद्र बोलते हैं, सही है, इसके अंदर जो भरा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं मैग्मा कहते हैं, क्या बोलते हैं मैग्मा बोलते हैं, बाकी आप नोट कर लेना अलग से अलग कोई बात नहीं, ये मैग्मा बाहर जाकर क्या बन जाएगा लावा बन जाएगा, क्या बन जाता है लावा, ठीक है लावा भी दो प्रकार का होता है, ठीक है कितना प्रकार का होगा दो प्रकार का, एक होता है बेसिक लावा और एक कहलाता है एसिड लावा, कौन कहलाएगा बेसिक और एसिड, अलग से बताएंगे आप पहले समझ लो, ऐसे अभी चीज़ें नोट करा देंगे पहले समझ लो चीज़ों को, तो ये हमारा क्या कहलाएगा लावा दो प्रकार होगा बेसिक, ठीक है मैग्मा बाहर जाकर क्या बना जैसे पृथ्वी पर जाएगा क्या बन जाएगा लावा बन जाता है, ठीक है इसका जो छिद्र होता है ये बढ़ता रहता है, जब ज़्यादा विस्फोट होते रहेंगे तो क्या हो जाता है ये बढ़ जाता है, पहले जो होता है इसका क्या नाम बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं क्रेटर बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे क्रेटर, क्या बोलते हैं इसे क्रेटर, और क्रेटर जो थोड़ा देखिए छिद्र अगर बड़ा होगा तो क्या बनेगा क्रेटर, और क्रेटर अगर बड़ा हो जाता है तो क्या बनता है, अगर क्रेटर बड़ा हो जाएगा तो क्या बनेगा फिर, अगर क्रेटर का क्या हो जाए विस्तार हो जाए बढ़ जाए तो क्या कहलाएंगे उसको, देखो कॉल्टेरा बोलते हैं, कॉल्टेरा क्या हो जाता है कॉल्टेरा, पहले इसको लिखो, लिख लिया हाँ जी, देखो पहले छिद्र था, छिद्र थोड़ा बड़ा हुआ तो क्या बन जाएगा क्रेटर, और क्रेटर और बड़ा हो जाएगा तो क्या बनेगा कॉल्टेरा, सही है क्या बनेगा कॉल्टेरा, और कॉल्टेरा थोड़ा और बड़ा हो जाए क्या हो जाए थोड़ा और बड़ा हो जाए तो इसे सुपर कॉल्टेरा बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसे सुपर, ठीक है ये एक घोंसले की तरह दिखाई देता है, कैसा दिखाई देगा घोंसले की तरह, एक घोंसले की तरह दिखाई देगा, तो पूछेगा ज्वालामुखी का वह हिस्सा बताओ या उसका नाम बताओ जो कैसा दिखाई देता है घोंसले की तरह, कैसा घोंसले की तरह दिखाई देता है तो वो कौन होता है सुपर कॉल्टेरा, सही है तो छिद्र बड़ा हुआ तो क्या बना क्रेटर, छिद्र बड़ा हुआ तो क्या बना क्रेटर, और क्रेटर बड़ा होने के क्या बना कॉल्टेरा, कॉल्टेरा बड़ा होकर क्या बना सुपर कॉल्टेरा, उसे क्या कहते हैं हम लोग सुपर कॉल्टेरा, क्या बोलते हैं सुपर कॉल्टेरा, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है जब लावा बाहर आता है क्या होता है लावा बाहर आता है, ठीक है तो उनको आपसे पूछ लेता है कि क्या क्या कहलाते हैं वो, अगर वो ज़मीन पे गिरती तो लावा, ठीक है अगर पानी में गिर जाता है तो क्या कहते हैं उसे, ठीक है और जो हवा में चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए अगर लावा बाहर आता है तो वो क्या किस किस नाम से जाना जाता है, हैं जी हाँ क्या बोलते हैं सिंडर, ये रफ कर दें पहले बताओ ये समझ में आ गया इतना, छिद्र का बड़ा भाग, छिद्र का बड़ा भाग सिंडर नहीं स्कोरिया बोलते हैं, स्कोरिया जो मटर के दाने की तरह होते हैं, बना लिया पृथ्वी के अंदर मैग्मा बाहर लावा, हम साइड से जाते हैं आप आदेश करिए बस, अभी आप लिख भी लेना मैं आपको बोल दूंगा आप लिख लेना आराम से, सही है पहले चीज़ों को ओरल समझा करो ज़्यादा जल्द समझ जाया करो, ज्वालामुखी अंदर वाला क्या होगा लावा, बाहर क्या बन जाएगा मैग्मा सॉरी, बाहर जाकर क्या बनता है लावा, लेकिन लावा भी क्या होता है अलग अलग टाइप से गिरता है, कुछ तो लावा होता है जो पानी में गिर जाता है भाई, जो ज्वालामुखी समुद्र के पास पास होते हैं वो पानी में गिर जाएगा तो उसको फिर लावा नहीं बोलेंगे हम लोग, लावा हम सिर्फ उसी को बोलते हैं जो क्या होता है
जमीन पर गिरेगा। कहाँ गिरेगा? जमीन पर। क्लियर है ना? लावा किसको बोलेंगे? जमीन वाले को। अगर हवा में है तब भी नहीं बोलते हैं, छोटे छोटे दाने टाइप के बाहर गिर जाएं जाके, तो उनको क्या बोलते हैं? समझ लेते हैं ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं, ये बार बार बनाएंगे अभी समझ में आ जाएगा आपको, दोबारा वोरा बनाएंगे सही। देखिए लावा को पढ़ लेते हैं, तो लिखो लावा जो है वो आपका कहाँ कहाँ गिरेगा? अगर जमीन पर गिरता है ना, जमीन पर गिरता है, या फिर कहाँ गिरेगा? पानी में, और फिर क्या होगा? हवा में। जमीन, पानी और हवा, सही है। जमीन पर गिरेगा तो इसे क्या बोलते हैं? लिखो लावा। इसको क्या कहते हैं? जमीन पे गिरने वाले को लावा। पानी में गिरेगा तो लिखो क्या कहते हैं इसे? टस। पानी में अगर लावा गिर जाता है तो उस लावा को क्या कहते हैं? टस कहते हैं, ठीक है। और अगर आपका क्या है, छोटे छोटे आकृति होती है और हवा में उड़ जाते हैं, छोटे छोटे दाने टाइप के होंगे, इस तरह से देखेंगे अगर आप देखो ज्वालामुखी फटते हुए, तो ये फटाक से गिरता फैलता है। जैसे आपने देखा दीपावली हम लोग चलाते हैं अनार के, अनार चलाते हैं तो अनार के निकलते हैं, गिरते हैं, तो हाँ उनको क्या बोलते हैं? इस टाइप से ये भी गिरता है, फैलता है ऐसे हवा में जाके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्कोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कोरिया, स्कोरिया बोलते हैं। उन छोटे छोटे जो दाने होते हैं टाइप के, मटर दाने टाइप के होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्कोरिया बोलते हैं, ठीक है। उस लावा को क्या बोलेंगे? स्कोरिया। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। तो जमीन पे गिरा लावा, पानी में गिरा तो टस, और अगर हवा में चला गया छटक कर तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्कोरिया बोलते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को समझ में आ गई? सबको आ गई होगी। लावा कितने प्रकार के होते हैं? दो। तो पहले लिखो एसिड लावा। क्या होता है एसिड लावा? एसिड लावा किसे कहेंगे? फटाफट करिए, एसिड लावा, ठीक है। एसिड लावा लिख लिया। देखो जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा रहती है, किसकी रहेगी? सिलिका की मात्रा। सिलिका की मात्रा क्या रहती है? ज्यादा रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिड लावा कहते हैं। सिलिका जानते हैं? सिलिका जानते हैं? सिलिका रेत, रेत, रेत को क्या बोलते हैं? सिलिका बोलते हैं। रेत को क्या बोलते हैं? सिलिका। फटाफट लिखो। तो जिनमें क्या होगी, सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एसिड लावा। तो ये लिख लो, ये क्रेटर के आसपास गिर जाता है। ये क्रेटर होगा ना, क्रेटर जो हमारा क्या होगा? क्रेटर। तो उसके क्या गिर जाएगा? आसपास गिर जाएगा, ऐसे करके पास पास गिर जाता है। तो क्रेटर के क्या होगा? पास गिरता है। क्रेटर के क्या गिरता है? पास। और ये शंकु, कैसे? शंकु या शंकुआकार पर्वतों का निर्माण करता है। पर्वतों का क्या करता है? निर्माण करता है। शंकुआकार पर्वतों का निर्माण कौन करेगा? तो आपको एसिड लावा करता है, ठीक है। ये गुम्बदाकार बना देता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट होता है ना, इधर उधर नहीं फैलता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका अगर पूछेगा क्रेटर के आसपास पाए जाने वाला कौन सा लावा है, तो कहोगे एसिड लावा है। कौन है? एसिड। पूछेगा गुम्बदाकार या शंकुआकार पर्वतों का निर्माण कौन करेगा, तो एसिड लावा करेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? नोट हो गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अगला डालिए। एसिड लावा के बाद बेसिक लावा दूसरा। हाँ, बेसिक, बेसिक, बेसिक लावा। तो बेसिक लावा क्या होता है? देखो ये हल्का और पतला होता है। ये क्या होता है? हल्का पतला होता है। कैसा होता है? हल्का पतला होता है। सिलिका की मात्रा कम होती है। सिलिका की मात्रा क्या हो गई? की मात्रा कम होती है। सिलिका की मात्रा क्या होगी? कम होगी। क्लियर है ना? देखो ये चपटाकार पर्वतों का निर्माण करता है। चपटाकार पर्वतों का निर्माण करता है। पर्वतों का निर्माण कैसे करता है? चपटाकार। देखिए मान लो ये ज्वालामुखी है आपका, हम ऐसे बना के दिखा देते हैं, तो ये क्या होता है? पतले होने की वजह से फैल जाता है, जाके क्या हो जाता है? फैल जाएगा, ऐसे करके फैलेगा, इधर भी जाके क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, ठीक है। तो ये चपटाकार बनाता है। कैसे बनाता है? चपटाकार। तो आपसे पूछ सकता है कि चपटाकार पर्वतों का निर्माण कौन करता है, तो आप कौन बताओगे? बेसिक लावा। जिसमें ऐसा कौन सा लावा होता है जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, तो वो कौन होगा? बेसिक लावा। कौन होगा? बेसिक लावा। क्लियर हो गया? शंकुआकार या गुम्बदाकार पर्वत का निर्माण कौन करेगा? एसिड लावा। क्लियर हो गया?
और क्रेटर के पास कौन रहता है? क्रेटर के पास कौन रहेगा? एसिड लावा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, रफर दें। क्रेटर झील जानते हो क्या होती है? ठीक है, जो आपका ज्वालामुखी होता है, जो शांत हो जाता है ना, अब क्रेटर तो उसमें बना हुआ होगा, क्रेटर झील पूछता है कभी कभी, तो आपका जो ज्वालामुखी होता है इसमें क्या बनेगा? क्रेटर। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? क्रेटर। अब ये शांत हो जाएगा, यानी कि सो जाएगा। क्या हो जाएगा? सो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे तीन प्रकार के, तो क्या हो जाएगा? स्लीपी मूड में चला जाएगा। तो फिर बारिश वारिश हो जाती है, बादल कहते ना, बादल ऐसे कुछ गाना भी एक होगा, कोई फिलहाल पता नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? पानी भर जाता है, ठीक है। और ये पानी भरने पर क्या बन जाता है? क्रेटर झील बन जाती है, जहाँ पानी स्टोर हो जाएगा उस गड्ढे में। गड्ढा छोटा नहीं होता है, इतना सोता है। बोले अरे सर ऐसे तो प्यास भी नहीं बुझेगी, बहुत हैवी होते हैं वो, ठीक है। तुम तो दिखाई भी ना दो कोई वहाँ पर, हमारा तो छोड़ दो, हमारा तो मतलब ही नहीं है, सही है। तो ध्यान रखना है ना। तो बारिश होने पर क्या हो जाता है? बोलो, पानी भर जाता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर झील बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? क्रेटर झील। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कभी कभी आपने देखा होगा अचानक पहाड़ों पर बाढ़ आ जाती है। अभी देखा उत्तराखंड में बहुत बार हो चुका है, ये पहले भी हो गई थी। तो कभी कभी ज्वालामुखी होते हैं ना, ये अचानक क्या होते हैं? विस्फोट के साथ फूट जाते हैं, और जहाँ वो पानी भरा होता है उन सबको वो बाहर फेंक देता है। क्या कर देता है? बाहर फेंक देता है। और बाहर फेंकने से क्या होता है? तबाही आती है। फिर क्लियर होगी बात? तो क्रेटर झील पूछेगा क्या होता है, तो आपको ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित झील क्या कहलाएगी? क्रेटर झील कहलाएगी। और कहाँ बनेगी? जहाँ पर ज्वालामुखी क्या हो जाएगा? सुपुत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत होगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो क्रेटर झील का लिखवाएं इसको अब। चलो तो डालो, क्रेटर क्या होता है? क्रेटर वैसे ने बता दिया है, लिखवाना है क्या? नहीं। क्रेटर लिखवाना है नहीं? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। कॉल्टेरा बता दिया, कॉल्टेरा, सुपर कॉल्टेरा, ठीक है। ग्रेसर क्या होता है? हाँ जी, गुड। ग्रेसर, ग्रेसर क्या होता है? चलिए डालिए, ग्रेसर क्या है? ज्वालामुखी में एक और होता है कि जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेसर बोलते हैं। तो ग्रेसर है क्या है? देखो, ये गर्म जल का स्रोत होता है। गर्म जल का क्या होता है? गर्म जल का स्रोत होता है, इसे ग्रेसर बोलते हैं। जब गर्म जल निकलता है उसी क्रेटर से, तो वही क्या बन जाता है आपका? बोलो क्या बन जाएगा? चुप। देखिए, आपका क्रेटर झील बता दी, अब वो शांत पड़ा रहा, और फिर अचानक जागृत होगा, तो उसमें भैया गर्म हवा निकलेगी, और वो पानी के साथ क्या होती है? उसे उछाल देती है। तो वो उस टाइम पर ग्रेसर का काम करती है। क्या करती है? ग्रेसर। जबकि वही होती है भाई, ज्वालामुखी पाइप होता है, वही क्रेटर होता है, लेकिन जब पहली क्रिया वो करेगा तो अंदर से भाई ज्वाला वो निकलेगा, पानी भरा हुआ होगा, तो उस पानी को भी क्या कर देता है? वो गर्म कर देता है। क्या कर देता है? गर्म। और जब किसी भी ज्वालामुखी में पानी गर्म निकलेगा और तेज़ी से फेंकेगा वो, तो वो हम लोग ग्रेसर बोलते हैं उसे। फिर उसे हम क्रेटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ग्रेसर बोलेंगे। तो ग्रेसर क्या है? जब गर्म पानी क्या हो वहाँ से निकले, तब वो हमारा क्या कहलाता है? ग्रेसर कहलाता है। तो इसमें पॉइंटेड कर लो, क्या होगा? स्रोत होगा। देखो, ज्वालामुखी अवकाश के बाद, ज्वालामुखी का क्या होता है? जो अवकाश होता है, यानी कि शांत रहता है। ज्वालामुखी अवकाश के बाद, अवकाश के बाद की क्रिया, बाद की क्रिया, बाद की क्रिया क्या कहलाएगी? ग्रेसर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ग्रेसर। और उसमें जो गर्म पानी है वो बड़ी तीव्रता के साथ बाहर आता है। क्या आता है? तीव्रता के साथ। गर्म पानी तीव्रता के साथ क्या आएगा? बाहर आएगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेसर कहते हैं। कितने लोग समझ में आ गई? ग्रेसर है। धुआरे बोलो क्या होता है? धुआरे। सिर्फ धुआं निकलता रहता है, गैस निकलते रहते हैं, तो उसे धुआरे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है धुआरे से। हाँ, उसी संबंध तो ये। हाँ जी, गुड। लिखो तो धुआरे क्या कहलाएगा? तो लिखो, जिन ज्वालामुखियों से क्या निकलता रहता है? बाष्प और गैस निकलती है। बाष्प एवं क्या निकलती है? गैसें निकलती हैं। बाष्प और गैसें किस रूप में निकलेंगी? तो धुआं के रूप में। किस में निकलती हैं? धुआं के रूप में निकलती हैं। कैसे निकलेंगी? धुआं के रूप में। ठीक है, इसमें जो बाष्प निकलती है ना, बाष्प ग्रेसर में भी होती है, लेकिन यहाँ के जो बाष्प होता है उसकी जो तापमान होता है वो ज़्यादा होता है। तापमान क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। धुआरों में जो आपका बाष्प निकलती है, ग्रेसर की तुलना में तापमान क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। ध्यान रखना, क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। लिख लो, सबसे प्रसिद्ध धुआरों की घाटी। हाँ, लिख लो, सबसे प्रसिद्ध
सबसे प्रसिद्ध दुहारों की घाटी, दुहारों की घाटी बता चुके हम वैसे, बताई थी नहीं? देखो डेथ वैली, डेथ वैली, डेथ वैली कहाँ है? डेथ वैली अमेरिका में लिख लो। इसे क्या बोलते हैं? 10,000 दुहारों की घाटी, धुआं धुआं रहता है वहाँ पे, 10,000 दुहारों की घाटी बोलते हैं, 10,000 दुहारों की घाटी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है इसमें से ना ज़्यादा गंधक वाला धुआं निकलने लगता है, रफ करते हैं पहले बताओ, इसी में ध्यान रखना है, पॉइंट बना के लिख लेंगे आप कि इसी में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ज़्यादा गंधक, गंधक जानते हैं, गंधक सही, ज़्यादा गंधक जहरील गैस वाला, हाँ ज़्यादा गंधक वाला क्या निकलने लगता है, धुआं निकलता है या बाष्प निकलती है, ठीक, उसे क्या कहा जाता है, पूछेगा उसे क्या कहा जाता है, तो निकलो, उसे बोलते हैं हम लोग सॉल्फ तारा, आया हुआ क्वेश्चन है ये, सॉल्फ तारा, सॉल्फ तारा की उपमा दी गई है, किसकी दी गई है, सॉल्फ तारा, सॉल्फ तारा लिख लिया ये, सॉल्फ तारा की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है, तो ग्रेसर समझ में आ गया, लावा समझ में आ गया, ठीक है, क्रेटर, कॉल्टेरा, अब ये मत कहना कि हमने लिखवाया नहीं था, तो अगर वही आ गया बोले आपने लिखवाया नहीं था कॉल्टेरा, हमने लिखवाया है, क्लियर हो गया, चलिए बताइए, छिद्र बड़ा होगा तो क्रेटर, क्रेटर बड़ा होगा तो कॉल्टेरा, कॉल्टेरा बड़ा होगा तो सुपर, घोंसले की तरह कौन दिखाई देगा, सुपर कॉल्टेरा, कैसा दिखाई देगा, सुपर कॉल्टेरा। ग्रेसर क्या होगा, जहाँ बाष्प और क्या निकलेगी, धुआं, गर्म जल निकलता है, गर्म बाष्प निकलती है, धुआरे क्या होता है, जहाँ धुआं और बाष्प निकलेगा, लेकिन ग्रेसर के बाष्प पे क्या होगी, तापमान ज़्यादा होगा, क्लियर हो गई ना बात यहाँ तक, ठीक है। डेथ वैली क्या कहा जाता है, 10,000 दुहारों की घाटी कही जाती है, और अगर हमारे दुहारे से क्या हो, गंधक की मात्रा ज़्यादा निकलने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्फ तारा बोलते हैं। अब डालो ज्वालामुखी के प्रकार, जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, आप रिवीजन करके आइएगा, सही है, ध्यान रखना।